नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में केंद्र कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी शामिल हुए। पीएम ने सम्मेलन में कहा कि हमारे देश में जहां एक ओर जुडिशियरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्ट्रर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक ओर जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का। देश में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में देश में 3,688 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 50 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली आंकड़ों की जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 18,684 हो गई है। देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो 4,30,75,862 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। राजधानी में कोरोना के शुक्रवार को 1,607 मरीज मिले हैं। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बीते दिन गर्मी के तेवर और सख्त दिखाई दिए। प्रदेश के प्रयागराज और आगरा सहित कई हिस्सों में लू चलने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कुछ जगह पर हल्के बादल दिख सकते हैं, तो वहीं बाकी बचे दूसरे स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी। शुक्रवार को यूपी के बांदा में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबर फरुखाबाद से है, जहां मामूली विवाद को लेकर दबंग ने दुकान से सामान लेने गई 7 साल की बच्ची के साथ मारपीट की, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दो बच्चे समेत लगभग आधा दर्जन लोग इस घटना में घायल हो गए। तो वहीं पीड़ित ने घायलों को साथ ले जाकर कोतवाली में सूचना दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं कोतवाली पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मेरी बच्ची को मारा गया। मेरी बच्ची जो है बिन माँ की बच्ची, मेरी वाइफ जो है 2015 में ख़त्म हो गई। मेरी बच्ची दुकान पे गई, दुकान वालों ने मेरी बच्ची को मारा। तब मैं निकल के बाहर आया तो मेरे ऊपर ईंटा पत्थर चलने लगे। किन किन लोगों ने मारा? गुड्डा फल वाले को, घर वालों ने, और जो बल्ले को, जो भतीजे चीजें हैं, बल्ले भतीजे और सुरंदर लड़कों ने ईंटा पत्थर। खबर राय बरेली से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक बिजली विभाग का कर्मचारी बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर राय बरेली से है, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र के एक तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे खाई में जा गिरा, जिससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की मदद से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर दशा में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
खबर संभल से है, जहां के थाना असमोली क्षेत्र के गांव के एक युवक ने आम के पेड़ पर एक रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली, जिसकी खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। युवक की मौत की वजह पति पत्नी का विवाद बताया जा रहा है। तो वहीं युवक की मौत की सूचना पाकर ग्रामवासी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं युवक की मौत से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक के पिता ने थाने में तहरीर दे दी है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। संभल के प्राथमिक विद्यालय में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने फीता काटकर बैडमिंटन कोर्ट उद्घाटन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें उप जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतिभाग करने वाले बच्चों को अच्छी तरह प्रशिक्षण कराया जाए। तो वहीं जिलाधिकारी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्रों में भी बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम करना चाहिए और ग्राम स्तर पर संचालित योजनाओं की सूची को सचिवालय के प्रमुख द्वार पर प्रदर्शित किया जाए। खबर आगरा से है, जहां प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है। बूंद बूंद को तरस रहे लोगों की फरियाद अधिकारियों के कानों तक पहुंची है और नल की पाइपलाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल मामला थाना मंटोला क्षेत्र का है, जहां काफी दिनों से पाइपलाइन में गड़बड़ी होने के कारण क्षेत्रवासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। क्षेत्रवासियों की संबंधित अधिकारियों और जल विभाग से काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। साथ ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन प्राइम टीवी ने इस खबर को प्राथमिकता से चलाया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। जिसके बाद जल विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी है और मंटोला के ढोलीखार क्षेत्र में पाइपलाइन को सही करने का काम शुरू हो गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों की उम्मीद जागी है और लोगों के घरों तक पानी भी पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि ट्रैफिक होने की वजह से जलकल विभाग के कर्मचारी रात में काम कर रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल का स्वागत और अभिनंदन किया गया। बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल लगातार दूसरी बार गाजीपुर सीट से एमएलसी चुने गए हैं और शपथ लेने के बाद पहली बार वो गाजीपुर पहुंचे थे, जहां ब्लॉक प्रमुख संघ की ओर से एमएलसी विशाल सिंह का स्वागत अभिनंदन किया गया। शहर के छावनी लाइन क्षेत्र में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनपद के विकास का काम करना है। सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख संघ की तरफ से ये कार्यक्रम था, सभी हमारे बड़े भाइयों ने एक स्वागत कार्यक्रम रखा था, उसी में आ जाना। दूसरी बार जो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, क्या चुनौतियां देख रहे हैं? कोई चुनौती की बात नहीं है, पहला कार्यकाल थोड़ा सा टफ रहता है लोगों का समझने में और कैसे काम किया जाता है। मुझे लग रहा है कि अच्छा अनुभव रहा है पहला कार्यकाल, दूसरा शानदार कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी पारी गाजीपुर के विकास को अगर बात करें? देखिए, केंद्र और प्रदेश का बहुत फोकस रहा है गाजीपुर, यह किसी से छिपा नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो भी विकास, उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतारना जारी है। इसी कड़ी में कानपुर के उस्मानपुर ईदगाह में लगे लाउडस्पीकर भी उतारे गए। बता दें, पुलिस की मौजूदगी में ईदगाह से लाउडस्पीकर उतारे गए और लगातार कानपुर जिला प्रशासन धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को हटवाने का काम कर रहा है। यूपी के गाजियाबाद में स्कूल बस में हुई मासूम छात्र की मौत के बाद हुए हंगामे और विवाद की घटना को देखते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है। सड़कों पर चल रहे अनफिट और अवैध वाहनों पर लगाम लगाने के लिए बीते दिन से ही वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग अभियान की अगुवाई एआरटीओ अरविंद यादव और सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने की। इस दौरान बीते दिन कुल 15 गाड़ियों को बंद किया गया। एआरटीओ अरविंद यादव के मुताबिक जिले में स्कूली वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो गाड़ियां अनफिट है या किसी में तकनीकी खराबी मिलेगी, उन विद्यालयों के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध तरीके से कोई भी गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। एआरटीओ का कहना है कि प्राइवेट बसों को भी चेक किया जा रहा है, साथ ही ओवरलोडिंग से संबंधित वाहनों की चेकिंग की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जो भी घटना हुई थी दुखद थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जनपद बलरामपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी वाहन अनफिट हैं उनको नोटिस दी जा रही है, उनके खिलाफ बंद और चालान की कार्रवाई की जा रही है और हम टीम बनाकर विद्यालय पर भेज रहे हैं और टीमें वहाँ जाकर सबको वाहनों को निरीक्षण कर रही हैं। आर आई की टीम निरीक्षण करने के पश्चात जिसमें कमियां पाई जा रही हैं, मान्य के अनुरूप नहीं है, उनको नोटिस दी जा रही है, उस समय के अनुसार अपना सही करवा लें वरना चालान बंद की कार्रवाई की जाएगी और कोई चल नहीं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।